एक ये होती है लॉबिंग शॉबिंग आप सारी करते हैं, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट को सीआईए की रिपोर्ट आती है उसमें जो है उसके ऊपर जो है वो फिर जो है वो डिसीजन मेकिंग उस तरह से होती है। आप ये लॉबिंग एक हद तक काम आती है, और बड़ी जगहों पर तो कहा जाता है कि लॉबिंग एफर्ट जो है ये सिर्फ ये बयान की हद तक होती है कि भाई किसी कांग्रेस मैन ने बयान दे दिया, सेनेटर ने बयान दे दिया, लेकिन जो अमेरिका की जो एक्चुअल पॉलिसी होती है उसकी जो शिफ्ट है उस पर इसका इतना बड़ा डेंट नहीं पड़ता, ये भी एक थिंकिंग है। डॉक्टर साहब आप किस तरह देखते हैं? जी शुक्रिया। देखिए इमरान खान साहब का कमाल ये है कि वो जो एक उर्दू का मुहावरा है ना कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये उन्होंने ही हैज मास्टर्ड दिस आर्ट कि वो अमेरिका की मुखालफत भी बेच लेते हैं और उनके हामी जो है वो उस पर तालियां मारते हैं, और अब वो अमेरिका के करीब होना भी बेच रहे हैं और उनके हामी उस पर भी धमाल डाल रहे हैं। बल्कि अभी मुनीब कह रहे थे कि जी वो अमेरिका को शायद जो है खान साहब को अमेरिका की जरूरत पड़ गई है, वो आपको पता है कि उनका जो फैन क्लब है वो मेरा बड़ा फेवरेट है, वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, अमेरिका जो है वो थर थर कांप रहा है, उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी मुखालफत हो गई है उनकी, तो असल में तो अमेरिका को खान साहब की जरूरत पड़ गई है और वो पैरों में पड़ा हुआ है कि खान साहब खुदा के लिए हमें माफ कर दें, और ये बिल्कुल गैर संजीदा बात नहीं है, दे एक्चुअली बिलीव इन इट। अब आप आ जाए उस बात की तरफ जो आप कह रहे हैं, जो लोग अमेरिका के डायनेमिक्स को नहीं समझते, यहाँ पे हुकूमत कैसे काम करती है उसको नहीं समझते, लॉबिंग का कितना असर होता है या नहीं होता उसको नहीं समझते, वो फिर इसमें से अपने अपने अंदाजे लगाने की कोशिश करते हैं। अब जलमे खलीलजाद को ही ले लें फॉर इंस्टेंस, जलमे खलीलजाद जो है वो एक चला हुआ कारतूस है, वो रिपब्लिकन है और रिपब्लिकन पार्टी में भी इस वक्त वो फ्रंट रनर नहीं है, कल को रिपब्लिकन की हुकूमत आए उसमें उनको कोई रोल दोबारा मिले तो एक और बात है, वरना जो है वो ही इज अ स्पेंट फोर्स। फिर ये कि आप किसी यहाँ पर अपने कांग्रेसमैन को अपने सेनेटर को अगर आप उसके वोटर हैं आप उसको खत लिखें, अपने घर में उसके लिए एक फंड रेजिंग डिनर करें, 5-7-10 हज़ार डॉलर जो है उसके लिए जेनरेट करें, आप जो मर्जी उससे अपने हक में एक स्टेटमेंट दिलवा लें, और उस स्टेटमेंट का नतीजा फिर यह होता है कि ब्रैड शर्मन ने फॉर इंस्टेंस स्टेटमेंट दी पीटीआई के हक में, बड़ा उस पर पीटीआई ने खुशी का इजहार किया कि ये देखें पीटीआई के लोग जो है वो अमरीकी जो है वो पीटीआई के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन्हें बड़ी तशवीश है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ब्रैड शर्मन को चंद दिन के बाद खुद ही उस पर वजाहत देनी पड़ी कि जी मैंने तो सिर्फ ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की थी और ये बात तो मैं इमरान खान की अपनी हुकूमत के अंदर भी कर चुका हूँ, इसका मतलब कतन ये ना लिया जाए कि मैं कोई उनकी हिमायत कर रहा हूँ जमात की। फिर तीसरा जो इसमें सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या वाकई पीटीआई अब यह समझती है कि उन्हें ये तासुर क्रिएट करना पड़ेगा कि अमरीका हमारे साथ खड़ा हो गया जिसके नतीजे में हमारी हुकूमत बनेगी पाकिस्तान में, तो वो सारा बयानिया किधर गया जो इस पर ये एक साल खेलते रहे हैं। तो काफी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस पूरे पूरा जो बयानिया बनाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। मेरा ख्याल है कि वो लोकल कंजम्पशन के लिए ज्यादा है जिसमें हमारे यहाँ एक अमूमी तासुर पाया जाता है कि जी अमरीका हुकूमतें बनाता है और अमरीका हुकूमतें गिराता है, ना इमरान खान की हुकूमत गिराने में उनका हाथ था ना उनकी हुकूमत बनाने में उनका कोई हाथ हो सकता है। हाँ एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर अमरीकी इंतजामिया जो है उसको ये पता होता है कि जो भी आएगा हमने उसके साथ एंगेजमेंट करनी है, उसके साथ कोई ना काम जरूर करना है, तो वो हर सतह पर अपने रابطे जरूर रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब उसमें ये भी तो है ना, बड़े पैसे तो अच्छे खासे बना लिए ना उनको, आपने डिनर शिनर पे बुलाया, पैसे वैसे दिए, जलमे खलीलजाद ने भी मुझे लग रहा है पर ट्वीट चार्ज किया है, उसका कोई रेट तय हुआ होगा यकीन। देखिए यहाँ तो हर सारा काम फंड रेजिंग पे होता है, तो इस वो क्या कहते हैं कि बिल्ली के भागो छींका टूटा, तो पीटीआई अगर पैसे खर्च करने को तैयार है और नामंजूर.com में धड़ाधड़ डॉलर आ रहे हैं और वो खर्च कर रहे हैं, लॉबिंग फर्म्स हायर हो रही हैं, तो फिर किसी को क्या एतराज हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं मेरा जो सवाल ये था कि मेरी दानिश में इसका इम्पैक्ट तो सिफर बटा सन्नाटा है, बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ आपसे, कुछ नहीं है इसका, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी है, बाइडन की एक पॉलिसी है, वो उन्होंने नहीं इस वक्त जो है इनको एंगेज करना, और उनके लिए जब एक सीआईए की रिपोर्ट आती होगी और उस सीआईए की रिपोर्ट में लिखा होता था कि जी इन्होंने एंटी अमेरिकन कैंपेन की, ये किया वो किया। मैं मिसाल देता हूँ, अभी टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था, वो टाइम मैगजीन का जो आर्टिकल था आप मुनीब आपने भी पढ़ा होगा आप सबने, उसके अंदर वो इमरान खान साहब, हाँ वो जब वो फ्रंट पेज पे छपे थे
अब वो सिंह को लग गए थे, वो नेचुरली लग गए थे, वो उनका इंटेंट नहीं थी वैसे, लेकिन उसके ऊपर ऐसी धमाधम मची थी कि जी वो फ्रंट पेज पे तस्वीर, फ्रंट पेज पे उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई थी उसमें तो ये लिखा हुआ था कि ये बिन लादेन के भी सपोर्टर रहे हैं, ये तालिबान को सपोर्ट करते रहे, बिन लादेन को शहीद कहते रहे, ये उसमें ये लिखी हुई थी बड़ी अलार्मिंग बात कि पाकिस्तान की जो मईशत की जो खुदी है उसमें बड़ा हाथ जो है इमरान खान साहब का है। तो अभी जो ये ब्लूमबर्ग का आर्टिकल आया है चंद दिन पहले, उसमें भी इसी किस्म के इल्जाम लगाए गए हैं खान साहब पे। बिल्कुल, तो और वो उन्होंने बड़े एविडेंस के साथ वो सारी चीजें, तो वो लॉबिंग कहाँ काम कर रही है, वो लॉबिंग बस ये है कि सेनेटर पैसे बना रहे हैं। लॉबिंग वैसे बिल्कुल काम कर रही है, क्योंकि ब्रैड शर्मन ठीक है कह दे के यू नो मैं तो इमरान खान के टाइम पे भी तनकीद करता था, ब्रैड शर्मन ने अभी ये भी कहा है अपनी रीसेंट स्पीच के अंदर कि इट्स इजीयर फॉर अस टू डील विद द शहबाज शरीफ गवर्नमेंट देन द इमरान खान गवर्नमेंट, लेकिन मुझे अभी भी बहुत ज्यादा इसको शक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा शक है कि ब्रैड शर्मन दरअसल वो लॉबिंग का ही हिस्सा है, क्योंकि जितना एग्रेसिवली वो बंदा बोल रहा है इन लोगों के लिए और ट्वीट कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। और नहीं, वो सही है मुनीब, नहीं हम एग्री करते हैं, हम दो फर्क बातें कर रहे हैं मुनीब, यहाँ पे लॉबिंग हो रही है और पीटीआई की पूरी कोशिश है कि वो उस लॉबिंग को अपने हक में इस्तेमाल करें, लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल डायनामिक्स एंड हाउ द गवर्नमेंट रन्स, उसका बाइडेन इंतजामिया पर कितना असर होगा वो मेरा नहीं ख्याल है कि उसके नतीजे में, उस लॉबिंग के नतीजे में वो फौरन राजी हो जाएंगे कि अब हमने इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में बनानी है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स।